रीडिंग मोड, रीडिंग मोड यहाँ पे हर एक मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जाओ नोटिफिकेशन बार पे, यहाँ पे जाकर आपको देखने को मिल जाएगा रीडिंग मोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो रीडिंग मोड का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, क्या रियली इसका मतलब क्या है? सिर्फ रीडिंग करने के टाइम पे इसको यूज़ करना है या कुछ और मतलब है? तो इसी के बारे में आज आप जानने वाले हो। तो चलो जान लेते हैं इसका मतलब क्या है, क्या है इसका रिसर्च, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे ऐसा बता रहा है, जो सब्सक्राइब जो है पूरा फ्री है, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक क्लिक, ठीक है? तो जाओ। सो यहाँ पे रीडिंग मोड, रीडिंग मोड यहाँ पे दिया रहता है नोटिफिकेशन बार पे, या आप सेटिंग पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे रीडिंग मोड का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दिया रहता है, हर एक मोबाइल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे जाओ नोटिफिकेशन बार पे, सब मिल जाएगा। तो रीडिंग मोड यहाँ पे इसको यूज़ करते हो, ऑन करते हो, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब कुछ अलग से इफेक्ट क्या आपको क्या मिलता है? यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा वार्म हो जाता है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो रीडिंग मोड मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हो, रीडिंग मोड मैंने अभी तक ऑन नहीं किया, तो ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा वार्म आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इफेक्ट आपको हर एक मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाएगा जब भी आप इसको ऑन करोगे। तो इसका ऑन मतलब इसका काम क्या है? रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा वार्म इफेक्ट क्यों करता है, जो ये ऑन करते हो तभी वार्म इफेक्ट थोड़ा सा क्यों देता है? तो यहाँ पे देखो, इसका जो मेन रीज़न है, जो रीडिंग मोड जो ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे आंखों के ऊपर जब ज़्यादा जोर ना पड़े, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े, और जो मोबाइल का जो लाइट होता है, जो लाइट आप देखते हो मोबाइल पे, यहाँ पे जो सफ़ेद लाइट आपको, जो वाइट लाइट जो मिलता है, वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। कोई भी कंपनी नहीं बताएगा, जो यहाँ पे मतलब उसका ही नाम खराब होगा कोई बता देगा। तो यहाँ पे जो लाइट होता है थोड़ा सा हार्मफुल होता है मोबाइल यूज़र, जब वो मोबाइल यूज़ कर रहे पढ़ाई के टाइम पे, तो इसीलिए यहाँ पे रीडिंग मोड को ज़्यादा प्रेफर करते, मतलब रीडिंग मोड यूज़ करके यहाँ पे वो लोग पढ़ते, तो ज़्यादा आँखों पर बस ज़्यादा जोर ना पड़े। तो यहाँ पे देखो, जब रात को लॉन्ग टाइम तक जब मोबाइल को यूज़ करते हो, तो आपने नोटिस क्या होगा, जो थोड़ा सा आँखों पे थोड़ा सा पानी आ जाता है, और यहाँ पे आँख थोड़ा सा लाल हो जाता है, और जब मतलब 2-3 घंटे आप जब कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई मतलब खेलने के टाइम पे आए तो आपको पता नहीं चलता, जब खेलने के बाद आप उठते हो, कोई दूर का चीज़ आप जब देखते हो, तो ऐसा ब्लैक सा आपको डॉट आपको दिखेगा, अच्छी तरह से आपको नहीं दिखेगा, तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मोबाइल को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने से ऐसा इफेक्ट आपको मतलब ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रीडिंग मोड का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दिया रहता है। डिस्प्ले पे जाओगे, मतलब सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे वार्म का आपको मिलेगा, कूल आपको मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग वार्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है वार्म इफेक्ट, और यहाँ पे रीडिंग मोड का काम यही है, जो आंखों के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो मोबाइल का जो लाइट होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, कोई भी कंपनी नहीं बताएगा, मैं बार बार यहाँ कह रहा हूँ, कोई कंपनी मतलब उसका रेपुटेशन क्यों खराब करेगा, ठीक ना? यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं बताएगा, तो आपको समझना होगा जो मोबाइल का जो लाइट है थोड़ा सा हार्मफुल है, ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए। मानता हूँ बहुत सारा फ़ायदा देता है, यहाँ पे मोबाइल जो एडवांटेज दे रहा है, तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जो डिसएडवांटेज, कैसे आप उसको लेते हो और कैसे आप उसको यूज़ करते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे बात निकल कर आता है, जो मोबाइल जो रीडिंग मोड है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, हर एक टाइम पे यूज़ करना चाहिए। हाँ, गेम खेलने के टाइम पे, फेसबुक करने के टाइम पे यूज़ करना चाहिए चाहिए। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ दिन आप जब यूज़ करोगे, मगर यूज़ करने के बाद आपको यूज़ टू हो जाओगे, उसके बाद जब आप फिर से नॉर्मल मतलब रीडिंग मोड को ऑफ करके यूज़ करोगे, थोड़ा सा आपको आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। आप यूज़ करके ज़रूर देखना, तब आप मुझे बताना तो क्या है नहीं है। तो रीडिंग मोड ज़रूर यूज़ करना, और एडिट के टाइम पे मतलब मोबाइल वगैरह, सॉरी फोटो वगैरह ज़्यादा आप एडिट करते हो, तब उस टाइम पे रीडिंग मोड ऑफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कलर का ऑप्शन प्रॉब्लम हो सकता है, कलर जो प्रॉब्लम वो थोड़ा सा हो सकता है। तो इसीलिए उसके अलावा आप कभी भी किसी भी कंडीशन पे आप रीडिंग मोड को यूज़ करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे साथ यूज़ करना चाहिए। मोबाइल को आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो, मतलब दिन में आप लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ करते हो मोबाइल को, तो आपके लिए रीडिंग मोड काफ़ी अच्छा काम आएगा। और यूज़ करके देखो, 2 दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद यूज़ टू हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसके बाद ही आप इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जब पहले कैसा होता था, अभी कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है आँखों के ऊपर, तो
तुरंत चेक करो या डॉक्टर का सलाह लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और देख लो, ठीक है। तो गाइस यही चीज़ था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए था तो इसलिए बता दिया। और यहाँ पे आप यूज़ करके ज़रूर देखना, उसके बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक बटन फोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब तो है उसके पास, तो सब्सक्राइब भी कर दो। और कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो है, जाओ कमेंट कर दो और जाते जाते। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर सकते हो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और मुझे सपोर्ट करो और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड कीप स्माइल, बाय।